क्या कोई आईनी तौर पे कोई ऐसा काम हो गया जो शायद आईन में गुंजाइश ही नहीं थी आज इस, इस हवाले से सिंध हाईकोर्ट में एक दरखास्त भी हुई और उसमें हमने देखा कि एक इस हवाले से सुनवाई भी की गई कि क्या वजीर आजम के तौर पर डिप्टी वजे अजम के तौर पर इसार डार साहब फाल होंगे या नहीं क्या ये अहदा आइनी है और गैर आयनी है क्या पाकिस्तान के आइन में इस हवाले से कोई किसी किस्म की गुंजाइश भी पाई जाती है या नहीं इस हवाले से जिन्होंने यह दरख्वास दायर की है वो हमारे साथ मौजूद है तारक मंसूर साहब कॉन्स्टिट्यूशन कौ, कौ, एक्सपर्ट हैं ऐसे जानते हैं कि आखिर इस दरखास्त का मकसद क्या था और जो डिप्टी वजीर अज़म का जो अहदा है जिस वक्त एक मौजूद बहस बना हुआ है

Uh, कूमत पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसकी वर्डिंग कुछ इस तरह होती है कि uh, वजे अजम पाकिस्तान के अहकाम पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा जो है डार को जो वजीर uh, खारजा हैं उनको तफ्स किया जाता है फर्दर ऑर्डर ना किसी सेक्शन का हवाला है उसमें ना किसी रूल्स और बिजनेस का हवाला है उसमें ना कोई आईनी कोई ऐसी प्रोविजन है जिसके तहत वो डिजिगनेट किया गया है या उसका पैरोग्रेटिव वो रखते हैं हमने ये बात जो है जब इसको देखा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट तो हमने इसको लॉन्गर ब्रॉडर पिक्चर में देखा गवर्नेंस के इशूज़ पर लोग कहते हैं कि इसको किस तराजर में देखा तो मैं कहता हूँ गुड गवर्नेंस किसी भी मुल्क का जो जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है आप, पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चैप्टर थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है आर्टिकल 90 से लेकर 100 तक ये फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर गिवन है इसके अंदर यानी फाखी हुकूमत की हयियत क्या होगी उसका स्कोप क्या होगा नॉमन क्लेचर क्या होगा उसका आर्किटेक्चर क्या होगा ये आइन के जो फ्रेमर्स है उन्हें नाइनटीन सेवेंटी थ्री में ये इसको डिज़ाइन कर दिया था अब हुआ ये कि जब आइन के आर्टिकल नाइन्टी नाइन्टी वन के अंदर एक प्रोविजन गिवेन है कि फाखी हुकूमत का जो वज़ी अजम किस तरह इलेक्ट होगा वज़ी अजम जो है वो चीफ होगा हेड ऑफ़ स्टेट होगा और जो कैबिनेट है वो स्टेट मिनिस्टर्स हैं फेडरल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स ये जो है एक कैबिनेट को फॉर्म करेंगे और फिर वो कैबिनेट वरन करेगी और उसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस नाइनटी के तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट रूल ऑफ़ बिजनेस मौजूद है जो 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस कहलाते हैं उसके तहत हर डोमेन हर डिवीजन क्या मिनिस्टर कैसा रिस्पॉसिबल होगा वजी अजम कैसे चलाएगा ये तमाम चीज़ें उसमें कैटेगोिकली गिर हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस में दो हज़ार सोलह में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि फेडरल गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ़ स्टेट होगा और वफाकी वजीर ये मिलकर एक गवर्नमेंट का शेप होती है हुआ यूँ ये जो आ, जो अब क्या बोलते हैं इनका जो इन नोटिफिकेशन आया उसके बाद दो इश्यूज होंगे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हम ये देखते हैं कि स्कीजल फाइव और स्केजल फाइव ए जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैबिनेट डिवीजन की जो उसके अंदर गिवन है आपके रूल्स ऑफ बिजनेस में वो उसके एक पूरा शेड्यूल गिवन है उस शेड्यूल में कहीं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई जिक्र नहीं है उसका तमाम चीज़ों का लीड जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है अब यहाँ जब एक आदमी जिसका रोल ही मौजूद नहीं है जब उसको आप करेंगे ऊपर से तो एक केस होगा के होगा तो एक फंक्शनल एन पैदा होगी फंक्शनल एन पैदा होगी तो रिजल्टली एक बैड गवर्नेंस क्रिएट होगी जिसका अल्टीमेटली सफर आपके 25 करोड़ आवाम होंगे और इस के का जो फ़ायदा है वो कोई और ले जाएगा तो यहाँ हमने इसको एज ए पब्लिक मैटर और एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर समझते हुए हमने फौरी तौर पर इसमें जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट पटिशन फ़ाइल की और हमने अदालत से इस्तः की कि आइन के, के आर्टिकल फ़ाइव के तहत दो हजार ग्यारह में सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट मौजूद है पाँच मेंबर की और छह मेंबर की दो हज़ार ग्यारह में भी कि ओबीडियंस टू द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन इवन अ पर्सन हु इज रूलिंग द कंट्री ही इज ऑल्सो इक्वली रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कमांडमेंट्स तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमांडमेंट्स आइन में गिवेन है वो इवन चीफ प्राइम मिनिस्टर भी बाईपास नहीं कर सकता और चीफ मिनिस्टर भी बाईपास नहीं कर सकता तो so, यहाँ जो है कैबिनेट सेक्रेटरी वजीर आजम के कहने आइन को बायपास करते हुए एक नया क्रिएट करता है हालांकि अगर उनको नया क्रिएट करना होगा तो आइन के आर्टिकल 238 और 239 Sorry. के तहत एक अमेंडमेंट बिल लाना होगा और टू थर्ड मेजोरिटी से उसको पास करके एग्री फिर उसको अमेंड कर सकते। अच्छा, ये

उसका काम जो होता है सिर्फ एक मतलब खाना पूरी की बेंच होती है क्योंकि वो रेगुलर हेयरिंग नहीं ले कर सकती रेगुलर हेयरिंग वही बेंच करती है जो बेंच का जो लीड जज होता है लीड जज क्योंकि आज एबसेंट था तो चीफ जस्टिस साहब आज छुट्टी फिर थे तो जो इंटर बेंच है वो सिर्फ उसको डेट दे सकती है उनकी डोमेन काम होता है तो हमने उनको अदालत को बताया है कि 2012 के बाद 2016 के अंदर मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया था और ये जो चीज़ है कि क्योंकि आइन के आर्टिकल सिक्स के तहत

तो काफ लिख की उस वक्त उनकी कोलिएशन चल रही थी तो उस दौर में पॉलिटिकल कोलेशन को नवाजने के लिए नून काफ लिख के प्रेशर में आके राजा परवेज़ अशरफ ने परवेज़ लाई को यह किया था सही है उसकी मिसाल दी जा रही है कि जी क्योंकि दो हज़ार बारह के अंदर वो तफवीज़ हो गया तो लिहाजा जो है हुँ। दो हज़ार चौबीस के अंदर उसमें क्या खबाहत है जब हमने इसकी बात रखी जब कोर्ट के सामने जब हमने बताया कि आइन के अंदर ये कहीं मौजूद नहीं है तो कोर्ट भी इसमें स्पीचलेस थी कोर्ट को हमने रूल्स ऑफ बिजनेस दिखाया कोर्ट ने वो भी देखे कोर्ट ने आर्टिकल 90 भी देखा 91 भी देखा और चैप्टर थ्री के अंदर कैटेगोरली गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर गेवन है जो चीज इसके मास्टर प्रिंट में आर्किटेक्चर में गेवन है आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आर्टिकल टू जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेश डेप्टी वजीर आजम या डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का अल्फाज हमारे आइन की किताब में कहीं कोई मौजूद है रूल्स बुक में देखिए आइन के अंदर हमारे आइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का वर्ड यूज है जो आर्टिकल 90 और 91 और दूसरी जगह मौजूद है प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड वो आर्टिकल 224 के अंदर है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ठीक है इसके अलावा कोई तीसरी नोयीत इसमें मौजूद ही नहीं है ना हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है इसके अंदर ना हम इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया कि आइन के आर्टिकल नाइन्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर का वर्ड मौजूद है नाइन्टी वन में प्राइम मिनिस्टर नोन की सदा ये है नोनली कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में क्योंकि तरक्याती मामला हैं बहुत काम का प्रेशर है वो मुल्क से बाहर होते तो डिप्टी तो वजे अजम अगर होगा तो आ, मुल्क के मामला चला सकता है तो क्या ये बताएं अगर आप कह रहे हैं डिप्टी का काहदा ही नहीं है तो क्या वो सिग्नेटरी हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी आइन के आर्टिकल टू थर्टी एट टू थ्री थर्टी नाइन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को आप एब्रोगेट नहीं कर सकते उसको बाईपास नहीं कर सकते उसको सस्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई एमरजेंसी भी नहीं है कानून का, के आइन के अंदर एक प्रोसीजर मेकानिजम मौजूद है कि अगर आपको आइन के अंदर एग्जिस्टिंग हालत में कोई चीज अमेंड करनी है ऐड करनी है इंसर्ट करनी है देन यू हैव टू ब्रिंग है प्रॉपर बिल और उसको टू थर्ड मेजोरिटी से अप्रूव कराना है अब आपके पास अगर टू थर्ड मेजोरिटी नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैं आइन की औरिजनैलिटी को सामने रखूंगा दूसरी अहम चीज़ हमारी पिटिशन के साथ हमने कोर्ट को भी बताया कि हमने तमाम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन ओथ्स लगाए हैं जिसमें प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के मेंबर असेंबली के गवर्नर्स के और तमाम और जो जजेस के भी हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ओथ है उसमें सब में एक चीज़ कॉमन है लगाने का वजह ये थी कि आई विल प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ रिपब्बलिक सब ने यह हल्फ उठाया तो जो ये हल्फ उठाया गया वही रिस्पॉन्डेंट नंबर टू यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी हल्फ उठाया एज अ मेंबर असेंबली भी एज अ प्राइम मिनिस्टर भी अब वही प्राइम मिनिस्टर जब आइन की ही बरखलाफ जाते हुए और उसको उसको सबवर्ट करता है और उसमें अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड कर देता है तो आर्टिकल सिक्स के तहत सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये, ये है। आप जो बात करें थोड़ी सी सलामक सिचुएशन है क्योंकि ये तो एक कोलैप्स नजर आ रहा है मुझे मैं मैं जरा फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ कि अट्ठाईस तारीख को जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया गजट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया इसको कॉपी किया गया

हम ये तो कहते हैं कि आइन के जो आइन से खिलाफ वर्जी करेगा वो आर्टिकल सिक्स का मर्तकब होगा लेकिन अगर आप आर्टिकल सिक्स पढ़ें तो उसके कैटेगोरिकल लिखा है कि वो आर्टिकल सिक्स के तहत उस कार्रवाई का मर्तकब होगा जो पार्लियामेंट जिस लॉ के तहत वो बनाएगी और वो लॉ नाइनटीन सेवेंटी थ्री से लेकर आज तक बनाई नहीं सही यानी जो आइन को तोड़ेगा वो लॉ आज तक नहीं बना हुआ सही

Uh, देखिये ये बाद नज़र में एक लॉ अगेंस्ट दूशन ये जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ये मेरा और आपका लैंड लॉ नहीं सीकी? है ये किसी पार्लियामेंट की लॉ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन वेशन uh, है जो हाईएस्ट लेवल पे की जा रही है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे की जा रही है सही जो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है आइन के आर्टिकल 90 और 91 के तहत इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कैबिनेट है और वो जो है प्रेसिडेंट को असिस्ट भी करता है इसीलिए हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रेजिडेंट को भी पार्टी बनाया मैं एग्जैक्टली यही देख रहा था कि आपने तो ये इनको भी पार्टी बना दी क्योंकि फेडरेशन के तहत विफाक जो है वो फेडरेशन की अलामत जो है उसमें प्रेजिडेंट का अहम रोल है अगर वजीर आजम ऐसी कोई गलत हरकत करता है तो आइन के तहत प्रेसिडेंट अपने पावर एक्सरसाइज कर सकता है यही नहीं हमने सेक्रेटरी जनरल टू द नेशनल को भी पार्टी बनाया कि वो ऐसी कोई चीज में ना करने का पाबंद है क्योंकि सर्वेंट इज ड्यूटी रीजन फॉर एनी एक्शन अट्ठाइस तारीख को नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद आज तीन तारीख पांच छह दिन तो गुजर चुके हैं एज ऑफ नाउ गवर्मेंट कि इंटरनल यहां ने कोई ऐसी मूवमेंट नहीं देखी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हुई नजर नहीं आई तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट एग्रीड है और गवर्नमेंट आंखें बंद की हुई है नहीं देखें ये बैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं चल सकती आइन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और ये ऑर्गेनिक होल है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप किसी ओरिजिनलिटी और इसकी वर्जिनिटी <coughs> को आप ख़त्म कर देंगे सही अगर आप आइन को सस्पेंड करेंगे या उसको एब्रोगेट करेंगे या उसको सबवर्ट करेंगे या सबवर्ट मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आइन में कई चीज जो चीज ऐड नहीं हुई इवन अदालत भी कोर्ट कैन नॉट ऐड इवन अ सिंगल वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है यही बात हमने आज कोर्ट के सामने रखी एक चीज एक चीज और क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है मुझे एक चीज बता दें इसाक साहब को क्या इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है कि माजी में इस तरह की एक प्रैक्टिस है क्या एक कोई प्रैक्टिस जो माजी में रही हो क्या वो आइन बन सकती है देखिए दो चीजें हैं टू आइन के अंदर कानून के अंदर हमारे पास एक मैगजम कहते हैं टू रॉन्ग कैन नॉट मेक थिंग वन थिंग राइट सही दो गलत चीजें मिलके एक चीज दुरुस्त नहीं कर सकती सही है अगर पचहत्तर सालों से हमारे कौम को यही नहीं पता कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है तो इसमें मेरा कुछ नहीं है अगर पच्चीस करोड़ लोग दो जून दो हज़ार बारह के किसी डिसीशन को बोलते हैं कि वो सही है तो वो दो हज़ार बारह के अंदर हालात मैं नहीं जानता पर... कि क्यों चैलेंज नहीं किया गया लेकिन मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस दो हज़ार सोलह पी एल डी की लैंडमार्क जजमेंट में गवर्नमेंट मीन डिसाइड हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट मिलके जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें कहीं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त भी जिक्र नहीं एक चीज और भी तारी सब जो मैं समझ सकूं कि एक वजीर आजम का पूरे प्रोसीजर के बाद आप पूरी कौम के वोट इकट्ठे करते, करते हैं फिर एक पार्लियामेंट फॉर्म होती है पार्लियामेंट अपना वजीर बनाती है बिल्कुल दैट मीनस एक आवाम वजीर बनाती है डिप्टी वजीरम एक ढॉक ताइन एक सिलेक्टेड तौर पे सिलेक्ट करना कि आप मेरे वजी अजम उसका कोई अप्रूवल नहीं इनफैक्ट मेरे ख्याल से काबिना की भी कोई सच अप्रूवल या मैक्सिमम काबिना की अप्रूवल होगी इससे ज्यादा देखिए इसमें इसमें दो चीजें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसलिए भी नहीं है आइन के अंदर क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेलेक्ट होता है थ्रू मेजोरिटी वेज ऑफ द असेंबली मेम्बर्स बिल्कुल ठीक है उसके बाद वो 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 ओथ उठा है ओथ उठाने के बाद वो लीडर ऑफ द हाउस नॉमिनेट होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अगर प्रोविजन होता तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन का मैकेनिज्म उसमें मैकेजमें ठीक है उसकी जो है आ, आ, कितने वोट से वो इलेक्ट होता है वो भी गिवन होता फिर उसका ओथ होता ताकि अगर उस एब्सेंस में वो पावर एक्सरसाइज करेगा जैसे जैसे मलेशिया में होता है या दूसरे मुल्कों में तो वो अकाउंटेबल भी होगा बिल्कुल ठीक है यहाँ अकाउंटेबिलिटी वो नहीं हो सकता तो वो पक्ष एंजॉय करे वो ट्रेवल सब पर, ले, लेकिन वो अकाउंटेबल ना अकाउंटेबल नहीं होगा और वो हर चीज़ को अपने पावर को यूज मिस भी कर सकता है वो कहीं अकाउंटेबल भी नहीं होगा ना वो आवाम को जवाब दो होगा ना वो असेंबली को जवाब दो होगा अपने किसी भी डिसीजन का वो साहब ज्यादा जवाब देने बिलीव रखते भी नहीं लेकिन सर ये चीज़ और बता दें चलें ये चीज़ होगी मैं ये मैं या आपकी बात काटूंगा मैं ये कहूंगा कि देखिए इसाफ साहब ने यह को, कोई कोशिश पहली नहीं और मेरी नॉलेज के मुताबिक इसाफ ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी उसको लीड करने की कोशिश की और आ भी जाने की कोशिश की कि किसी तरह वो उसके हेड ऑफ ऑफ द काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट के हेड हो जाए लेकिन वो भी कोशिश भी नाकाम हो गई लेकिन अब दर्द पड़ता उन्होंने कोशिश करते हुए अपने कनेक्शन यूज़ करते हुए यहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बादल नखास्ता ले तो लिया लेकिन वो आइन के तहत नहीं लिया और वो जितने दिन इस पर रहेंगे दैट मीन ये आइन तरीके से उसको एब्रोगेट किया जा ये एब्रोगेट किया जा रहा है और प्रेसिडेंट प्रेजेंट तो किया जा रहा है और ये अगर प्राइम मिनिस्टर इस पर एक्शन नहीं लेता तो स्पीकर कौमी असेंबली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल और प्राइम मिनिस्टर पे है कि वो ऐसे किसी अहकाम को ना माने और उसके खिलाफ अगला सवाल यही अगर, अगर है तो कोई एक्शन नहीं हुआ हु इज द मैन इन चार्ज या कौन वो दो या तीन शख्सियात हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी तयन होती है कि इस तरह के काम को रोका जाए देखिए आइन के नाइनटी आर्टिकल नाइनटी के तहत भी जो मुल्क का इस वक्त जो फेडरेशन का जो हैड है वो प्रेसिडेंट है सही है और बहुत सारे मामला में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जवाब दे सही। ऐसी किसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत हंड्रेड परसेंट एम्पावर्ड है कि जब मुल्क में एक मशीनरी क्योज की तरफ एग्जीक्यूटिव मशीनरी कोज का शिकार हो रही हो सही और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया जा रहा हो उसको सबवर्ट किया जा रहा हो उसको नया तरीके से इन्वेंट किया जा रहा हो विदाउट ब्रिंगिंग अ प्रॉपर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आ, आपके केस के बाद तो वो भी डर गए होंगे ना क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी में भी एक तश्वीश तो है कि अगर आप इस जो केस की कोई जजमेंट आती है और इज इट अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो शायद माजी के ऊपर भी इसका इतलाक हो देखिए इस ये 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 ये, दर, ये जो केस है ये इस बात का तयन कर देगा कि क्या हमारे आइन के अंदर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बगैर अमेंडमेंट के एड कर सकते हैं अपनी फ्री विल के मुताबिक और हम आर्टिकल सिक्स के मरतकब की भी ना हो क्या हम आइंदा भी इस तरह की जो इन्वेंशन जो है विदाउट ब्रिंगिंग अ प्रॉपर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और उसको कोई नहीं पूछेगा इट डजेंट मीन्स कि अगर आवाम नहीं खड़ी हुई तो वो आइन के अंदर मैं, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्योंकि दे दे सब्जु, सब्जु, सब्जु मैं एक एक मैटर सब्जेक्ट मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता कि कल जिस तरह के आप कह रहे हैं शायद मैं मान लेता हूँ वही बात सच हो और आ, कल अदालत भी ये कह दे कि इसमें आइन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कल डिप्टी वजी अजम के तौर पर सागदार साहब को हटा भी दिया जाता है बट ये जो एक फैसला किया गया और जितने अरसे वो इस सीट के ऊपर रहेंगे उसका खमियाजा कौन भुगतेगा क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा क्या ये बात एसाक डार साहब की डिस्प्लेसमेंट से ख़त्म हो जाएगी या इज़ इट गोइंग टू गो फर्दर देखिए मैं जैसाक डार साहब आप जो भी एक्शन लेंगे तो जो सिविल सर्वेंट है सिविल सर्वेंट एक्ट नाइनटीन के पाकिस्तान के तमाम सिविल सर्वेंट्स पर लाजिम होगा कि आर्टिकल फाइव आर्टिकल फोर और uh, uh,

But, मेरा बड़ है। इसकी तरफ चले मेरा बड़ा सवाल सिंपल है कि क्या है, इसके ताने वजीर तक भी जाएंगे वजीम साहब ने क्यों नोटिफिकेशन उनकी मर्जी से जारी हुआ तो एट दी एंड अकाउंटेबल तो वो भी हुए। बिल्कुल होंगे और ये चीज जो है ना सिर्फ वो होंगे बल्कि वो क्योंकि उन्होंने वजे आजम साहब वो तो नहीं कहते जैसे हमारे आर एफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता बस मेरे ऑफिस अप्रूवल करके भेज दिया ऐसा कुछ नहीं देखिए तहत 91.5 के तहत दैट आई विल प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सही आई विल प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है यहां वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे प्रिजर्व भी नहीं कर रहे और डिफेंड भी नहीं कर रहे उसमें ऐड कर रहे हैं हां ठीक है जी तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जब आप हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप मुझे ये बता दें आमतौर तो पर इस तरह के नतीजा कितने अरसे में आ जाता है क्योंकि अब चले तो सिंध कोर्ट में फिर ये चलेगा मैं कहूँ एक जगह से फैसला तो आपको पता है कि इस तरह के मैटर्स में अदालतें भी एक प्रॉपर टाइम लेती हैं देखिये पाकिस्तान में अदालतों की मेच्योरिटी इन केसेस से झलकेगी हमारी अदालतें कितनी मेच्योर है कितनी इंडिपेंडेंट है कितनी इम्पार्शियल है कितनी ये केस और कितनी बाख्तियार हैं ये केस उसका तयन कर देगा ये ओपन मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आइन के अंदर आप किसी भी आर्टिकल को दिखा दें मैं ये पटिशन विद्रॉ करने तैयार हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा आइन ने तफ्ज किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज़ एम्पावर्ड टू गवर्न दिस कंट्री विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो मैं अपनी पटिशन वापस लेने का पाबंद हूँ और अगर नहीं है तो वो लोग जिन्होंने ये अहदा तफवीज़ किए बगैर इसको नोटिफाई किया है वो आर्टिकल सिक्स के लिए भी तैयार रहे क्योंकि आइन के अंदर उसकी सजा भी मत है आर्टिकल के लिए, ever, divert, abrogate, uh, वो उसका किस चीज के रूलर ऑफ कंट्री कैन नॉट चेंज पाकिस्तान में मोनार्की नहीं है सही पाकिस्तान में आप जमहूरियत की बात तो करते हैं लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि जो हमारी जमुरी अखदार हैं जो हमारी रवायात हैं जो हमारे जो इस वक्त रूलिंग क्लास है वो जब अपना मफाद आता है या अपनी बात आती है so. तो वो बिल्कुल एक सेट की तरह उसका uh -huh. आइन को

पाकिस्तान में जिस तरह से इस तरह के मामला को डील किया गया वो कोई ज्यादा रोशन मिसाल नहीं है लेकिन इस शायद सिंध हाई कोर्ट के पास या पाकिस्तान की आला अदलिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के मामला को कम से कम किसी एक डायरेक्शन में इसका फैसला दे दें ताकि पाकिस्तान में ही जो एक आईनी बहरान जो हमें हर कुछ अरसे बाद नजर आता है कभी स्पीकर कभी डिप्टी स्पीकर और इस तरह के मामला में हमने नाजरान कितनी बुराना का सामना किया इस तरह के बुरानों के ऊपर काबू पाया जा सके प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और मजीद मामला उनको डिस्कस करेंगे ब्रेक लेते हैं ब्रेक का हाजिर होते हैं देख रहे हैं द डेली शो विदि नेमस